वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल द हिमालयन गुरु दोस्तों आज हम डिस्कस करने जाएंगे नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है एथेना अब इसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इसने बहुत कम समय में बहुत बड़ा एक उछाल लिया है जो कि 40 से 45 रुपए से शुरू होकर आज एक सौ के करीब करीब इसने टच कर रहा है और अब ये बढ़ भी रहा है यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में समझने के लिए इसके खास यूज के इसको जिसके दम पर यह क्रिप्टो प्रोजेक्ट इतना अच्छा सर्च कर रहा है जानेंगे इसको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट एथना डॉट पाई से और समझेंगे कैसे आप यहाँ पर फ्री में एयर ड्रॉप ले सकते हैं इसका जो गवर्नेंस टोकन है ई एन ए टोकन उसे आप इजिली क्लेम कर सकते हैं और बाकी चीजों को इसी के डॉक्यूमेंट्स से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एथना और यहाँ पर एथना के बारे में बताया गया है सो so, क्या है एथना इज अंथेटिक डॉर प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन थे सोल्यूशन फॉर मनी Not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar dominated saving instrument, the Internet Bond. सो so, दोस्तों एथना यहां पर एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनाया गया है अब यहां पर इसका सबसे बड़ा यूज केस यही है कि कहीं कही ना कहीं आप एक ट्रेडिशनल बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जुड़े हो आप यहां पर कहीं कही ना कहीं उस एक नए इंटरनेट बॉन्ड से जुड़े हो जो आपको क्रिप्टो में आपके ट्रांजेक्शन के लिए हेल्प करेगा एथना सिंथेटिक डॉलर यूएसडी विल प्रोवाइड द फर्स्ट सेंसरशिप रेजिस्टेंस स्केलेबल एंड स्टेबल क्रिप्टो नेटिव सोल्यूशन मनी अचीव बाय डेल्टा हेजिंग स्टेट इथेरियम कोलेक्ट्रल अब यहां पर दो चीजें हैं सबसे पहले कि जो भी आपको यहां पर ट्रेडिंग करनी है और उस ट्रेडिंग के बाद जो आपका एक क्रिप्टो नेटिव सोल्यूशन है जहां पे आपको कहीं ना कहीं फंड रिसीव होंगे वो जो फंड होंगे वो आप यहाँ पर यूएसडी के तौर पे जिसे डेल्टा हेजिंग स्टेक इथेरियम कोलेट्रल के तौर पे देख पाएंगे सो यूएस विल बी फुली बैक ट्रांसपेरेंटली ऑन चेन एंड फ्री टू कंपोज थ्रू आउट टेफी अब इस तरीके से भी कहा जाता है कि यूएसडी पैक स्टेबिलिटी इज टू द यूज ऑफ डेल्टा हेजिंग डेरिवेटिव पोजीशंस अगेंस्ट प्रोटोकॉल हेल्ड कोलेक्ट्रल अब इसके साथ इंटरनेट बॉन्ड है वो आपको क्या करने वाला है वो यहां पर आपको टूल कंबाइन फ्रॉम स्टेट इथेरियम एज वेल एज द फंडिंग एंड बेसिस स्प्रेड फ्रॉम परपेचुअल एंड फ्यूचर मार्केट्स टू क्रिएट द फर्स्ट ऑन्चन क्रिप्टो नेटिव बॉन्ड कैन फंक्शन एज

यूजर बी यहां पर अपनी स्टेकिंग जो ईद है उसे डिपॉजिट करेगा एथना प्रोटोकॉल में एथना प्रोटोकॉल में वो जो ये डिपॉजिट किए गए हैं स्टेकिंग ईद यहां पर यूजर ए को डायरेक्टली रिसीव हो जाएंगे अब जैसे इसने यहां पर जो स्टेकिंग ईद थे यूजर ए ने रिसीव किए उसके साथ ही यहां पर उसे यू एस ई रिडीम करने के लिए एथना प्रोटोकॉल के एक ऑप्शन मिलेगा उसके साथ यूजर बी को ही सेम ऑप्शन जहां पर वो उस यूएसडी को ईजिली मिंट कर पाएगा यानी कि दोनों ही सूरतों में यहां पर यूजर ए और यूजर बी दोनों को इस एथना प्रोटोकॉल से फायदा ही मिलने वाला है चाहे आप स्टेकिंग करें चाहे आप रिडीम करें चाहे आप मिंट करें अब दूसरे तरीके से जो ओई एस प्रोवाइडर्स हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कॉपर को फाइव ब्लॉक्स और सेफू आप देख पा रहे हैं इसी हिसाब से यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये ओपन क्लोज शॉर्ट ईथ पर्पल्स का भी यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे कहीं ना कहीं, कहीं यहाँ पर बिनास उसके साथ अगर बात की जाए डेरी है ओके एक्स है बाईबिट बिटमैक्स और बिटगेट भी है तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पर अभी अप्लीकेबल है और इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर इस हम जो बात करते हैं यूएसडी की उसको कहीं ना कहीं लाया गया और उसकी हेल्प से इस पूरे इको में कहीं ना कहीं ने नया यूज करने की कोशिश की गई है अब यहाँ पर इथेरियम को ही लेने की वजह यह भी है ये कहते हैं किल्सो प्रोवाइड द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटिव मनी अक्रॉस क्रिप्टो मार्केट्स तो इस हिसाब से ईथ का यहां पर ब्लॉक चेन का यूज करना उसी हिसाब से यूएसडी को बीच में लाना और कहीं ना कहीं उस जो रिडीम फंक्शन है मेटिंग फंक्शन है और स्टेकिंग फंक्शन है कहीं ना कहीं आपको एक फायदा दे सकता है इसके साथ अगर आपको यहां पर एथेना और ई एन ए टोकन को लेना है तो यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके आप इजी वे में यहां पर ई एन ए को क्लेम कर पाएंगे आपको जस्ट वहां पर अपना वॉलेट स्कैन करना है और आप यहां पर उन यानी कि ई एन ए टोकन को इजिली क्लेम कर पाएंगे दूसरा यहाँ पर इसी के ऑफिशियल वेबसाइट में यूएसडी की ए पी वाई जो कि थर्टी फाइव पॉइंट फोर परसेंट के हिसाब से देख पा रहे हैं आप यहाँ पर भी अपने इन चीजों को चेक कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर आपके पास इनवाइट कोड है तो आप उस कोड को एंटर करके यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ पाएंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा इसे अच्छे खासे क्रिप्टोज का सपोर्ट भी मिल रहा है उसी हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो आप इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया हैंडल से भी फॉलो करके इनसे जोड़ सकते हैं और इसके साथ साथ देखा जाए तो इसका ऑफिशियल हैंडल एट लैब्स है इनेबलिंग द इंटर बॉन्ड जहां पर इन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में और रिसेंटली यहां पे कुछ ट्वीट्स मैसेज किए गए हैं अपनी कम्युनिटी के साथ इन्होंने एंगेज रखा है अपने आप को और यहाँ पर कुछ मैसेज रिपोर्ट भी किए गए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर जो एक अच्छा खासा सर्च जिसके प्राइस में देखने को मिला है कहीं ना कहीं इसके यूज केस और यूनिक जो इसके मैकेनिज्म है उसके चलते इन्होंने यहाँ पर हासिल किया है अब दोस्तों इस पूरे इको के साथ अगर हम समझते हैं कोयन मार्केट कैप को तो कोयन मार्केट कैप में इज द प्रोजेक्ट देंट प्राइस इन द टोकन नेम करंट प्राइस फोर पॉइंट में फोर जो कि अभी हमारी आंखों के सामने ही जस्ट 103 से 104 हो चुका है यहां पर देखा जाए तो 73 परसेंट का यहां पे राइज हमें देखने को मिल जाता है मार्केट कैप और वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में काफी अच्छा एक ग्रीन पैटर्न हमें देखने को मिलता है जहां पर हम इसके लाइव चार्ट में भी सेम चीज को देख पा रहे हैं सेवेंटी के पॉइंट वन मार्केट कैप राइज हुई है वॉल्यूम पिछले चौबीस घंटे में के राइज हुई है ऐसे ही यहां पे सर्कुलेशन सप्लाई की बात की जाए तो वो जस्ट वन बिलियन ई टोकन देखने को मिल जाएंगे हालांकि टोटल सप्लाई जो है और मैक्स सप्लाई फिफ्टीन बिलियन ई टोकन हमें देखने को मिल जाती है और इसके साथ प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए थर्टी सेवन मिनट पहले हंड्रेड पॉइंट सिक्स गया था ऑल टाइम लो पिछले कल 44.06 था यानी कि बहुत बड़ा उछाल यहां पर इस

क्योंकि ये सब जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर क्रिप्टो हाविंग यानी कि बिटकॉइन हाविंग की हम जब बात करते हैं उसके दिन जैसे जैसे कम हो रहे हैं बहुत सारे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं मार्केट में सिर्फ इस इरादे से कहीं कही ना कहीं हम कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ ले सकें और अपनी कम्युनिटी को फायदा दे सकें या फिर इस तरीके से भी कई फाउंडर्स डेवलपर्स आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेके कि वो कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट खुद के लिए लेके जाएँ और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को नुकसान देके के या उनका काफी यहां पर लॉस हो जाए तो यह भी एक मेंटेलिटी रहती है तो इसको भी आपको समझना होगा और हमेशा क्रिप्टो में निवेश करने से पहले अपनी ओर से रिसर्च करें समझें उसके बाद ही आप यहां पे अपना फैसला लें और निवेश करें सो so दोस्तों ये तो बात थी एथना और ई ए टोकन के बारे में वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एव ग्रेट डे हेट बाय